ओम शांति। 10 अप्रैल 2023 की साकार मुरली। सोमनाथ बाप दादा हम बच्चों से प्यारी प्यारी मीठी मीठी मुलाकात करते मधुर मुरली में मेन मुख्य पॉइंट देते हैं। मीठे बच्चे, श्रेष्ठ बनने के लिए सदा श्रीमत पर चलते रहो। लक्ष्मी नारायण भी श्रीमत से इतने श्रेष्ठ बने हैं, तो मूल मंत्र ही है श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत पर चलना। प्रश्न: भक्ति में गौमुख का यादगार क्यों बनाया है? उत्तर: क्योंकि संगम पर बाप ने ज्ञान का कलश माताओं के ऊपर रखा है। तुम माताओं के मुख से ज्ञान अमृत निकलता है, जिससे सब पावन बन जाते हैं, इसलिए भक्ति में गौमुख का यादगार बना दिया है। तुम गौ माताएं हो, तुम ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हो, इसलिए यादगार बने हुए है। गीत है नयनहीन को राह बताओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। भक्ति मार्ग वाले बच्चे बाप को पुकारते हैं कि हम जो नयनहीन बुद्धिहीन बन गए हैं, हमें राह बताओ। हे प्रभु जी, याद करते हैं अपने बाप को। उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। सभी जीव की आत्माएं बाप को याद करती है। हम इस पतित दुनिया में बहुत दुखी है, दर दर धक्के खाते रहते हैं। जहां भी जाते हैं उनके ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं कि हम किसके पास जाते हैं। शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि शिव कौन है। जहां भी जाएंगे जाकर माथा टेकेंगे, जानते नहीं कि वह कौन है, कब आए थे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी जाते हैं, लेकिन जानते नहीं कि ये कब आए, कैसे राज्य लिया, कुछ भी पता नहीं। देलवाड़ा मंदिर में जाते हैं, वहां आदि देव बैठा है, परंतु जानते नहीं ये कौन है। जगत अम्बा के पास जाते हैं, परंतु वह कब आई, क्या किया, कुछ नहीं जानते। सिर्फ जाकर माथा टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, बच्चा दो, ये दो, वो दो, जानते कुछ भी नहीं। गौमुख पर जाते हैं, कितनी मेहनत करके सीढ़ी उतरते चढ़ते हैं, पता कुछ भी नहीं कि वहां क्या रखा है। एक पत्थर का गौ का मुख बनाया है, कहते हैं गौ के मुख से गंगा जल निकलता है। अब जानवर के मुख से अमृत थोड़े ही निकलता है। तीर्थों पर जाते हैं, किसके भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं कि ये कब आए, आकर क्या किया। हम क्यों पूछते हैं, बुद्धिहीन होने कारण पुकारते हैं, हे प्रभु, हे बाबा, क्योंकि वह सबका बाप है ना। मनुष्य के तीन बाप कहे जाते हैं। एक है आत्माओं का बाप शिव, दूसरा सारे मनुष्य सृष्टि अथवा मनुष्य सीजरे का रचता प्रजापिता ब्रह्मा, तीसरा फिर लौकिक बाप। भक्त भी एक भगवान को याद करते हैं कि नयनहीन को आकर राह दिखाओ, जो हम सदा ऐसे बने। ये कलयुग तो है ही दुखधाम, सत्युग है सुखधाम, और जहां से हम आत्माएं पाठ बजाने आती है उनको शांति धाम कहा जाता है। आत्मा को ये शरीर रूपी बाजा अथवा ये कर्मेंद्रियां यहां मिलती है, जिससे आत्मा कर्म करती है। आत्मा तो है अविनाशी, शरीर है विनाशी, आत्मा है पारलौकिक परमपिता परमात्मा की संतान, शरीर है लौकिक बाप की संतान। आत्मा का बाप एक ही है, उनको याद करने से वर्षा मिलता है। बेहद के शांति और सुख का वर्षा कोई मनुष्य मात्र से मिल नहीं सकता है, चाहे कोई भी हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। परमात्मा एक शिव है, शिव परमात्माय नमः। ब्रह्मा परमात्माय नमः नहीं कहेंगे, ब्रह्मा देवताय नमः कहते हैं। तो ये भी जो मंदिर आदि है उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। ऊंच से ऊंच परमपिता परमात्मा शिव है, फिर रचता रचते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर की। शिव निराकार अलग है, शंकर आकारी देवता है, परमात्मा एक है। ये पहली अच्छी रीति समझाना चाहिए।
पहले पहले तो बाप को जानना चाहिए जो बाप स्वर्ग का रचता है। मनुष्य तो भक्ति में धक्के खाते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण तो है स्वर्ग के मालिक, वहां तो सदैव सुख ही सुख है, यहाँ सभी दुखी है, ये दुनिया ही पतित है। सतयुग में भारत पवित्र गृहस्थ आश्रम था, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पावन थे। पतित को पावन बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है। राधे कृष्ण सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस है, जो स्वयंवार बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। अब बाप सबको पावन बना रहे हैं इन भारत माताओं द्वारा, जिन्हों पर ही ज्ञान का कलश रखा जाता है। भारत में पवित्र राज्य था, अभी है अपवित्र राज्य। गृहस्थ धर्म के बदले गृहस्थ अधर्म हो गया है। फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। बाप आत्माओं से बात करते हैं, मैं परमपिता परमात्मा आया हूँ। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम बहुत समय के बिछड़े हुए हो, अब बिल्कुल रोगी पतित कौड़ी तुल्य बन गए हो। फिर तुमको अगर मेरे जैसा बनना है तो पुरुषार्थ करो। ये भारत माता शक्ति अवतार है, ये शिव बाबा को अपना बाप बनाती है। उनसे योग लगाने से शक्ति मिलती है, जिससे पांच विकारों पर जीत पाकर माया जीते जगत जीत बनते हैं। ये हार जीत का खेल है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन सकते हो। बाप ही स्वर्ग के लिए पवित्रता सुख शांति का वर्षा देते हैं। ये राजयोग है। हठयोगी राजयोग सिखा न सके। अभी तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। रावण की मत से तुम भ्रष्ट बने हो। भारत अब रावण की मत पर चलने से इतना दुखी कंगाल बना है। जगदम्बा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली थी, वह भी माता थी। जगदम्बा ने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया था, इसलिए उनकी महिमा इतनी गाई जाती है। पवित्रता के बिगैर तुम पवित्र दुनिया का मालिक बन नहीं सकेंगे। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। अब बाप कहते हैं, फिर पावन दुनिया का मालिक बनना है तो आकर समझो। अब श्रीमत मिलती है तो उन पर चलना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं, तुम शक्तियां हो। शिव बाबा से योग लगाने से तुमको शक्ति मिलेगी, नहीं तो कभी स्वर्ग के मालिक बन नहीं सकेंगे। पारलौकिक बाप से 21 जन्मों का वर्षा मिलता ही है संगम पर, इसलिए पुरुषार्थ करना है, बच्चों का भी कल्याण करना है, फिर स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। ये राजयोग की पाठशाला है। भगवान उवाच, बच्चे मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे तुम राजाओं का राजा स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सिर्फ बाप को याद करो तो अंत मति सुगति हो जाएगी, बाप सुखधाम में भेज देंगे। बाप कहते हैं, मैं ही आकर सबको शांति धाम सुखधाम में ले जाता हूँ। सतयुग त्रेता में यह भक्ति आदि होती नहीं, वहां तो 21 जन्म अतः सुख है। अब बाप कहते हैं, इस रावण पर जीत पहनो। विकार के लिए शादी करना अपनी बर्बादी करना है। परमपिता परमात्मा ने ऑर्डिनेंस निकाला है कि पवित्र बनो तो जगत का मालिक बनेंगे। इस दुख धाम से शांति धाम सुख धाम में चलना चाहते हो तो ये बातें समझो। तुम जानते हो, सिवाय बाप के कोई भी मनुष्य को भगवान कहना रॉन्ग है। भगवान तो है ही एक। अभी तुम बच्चे शिव परमात्मा की, ब्रह्मा विष्णु शंकर की, लक्ष्मी नारायण आदि सब की बायोग्राफी जानते हो। जान गए ना? कहे हाँ जी बाबा। अब तुम श्रीमत से ऐसे लक्ष्मी नारायण समान श्रेष्ठ बन सकते हो।
पवित्र तो जरूर बनना है, परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर एक बाप को याद करते रहेंगे और पवित्र बनेंगे तो 21 जन्म का राज्य भाग्य मिलेगा। कितनी सहज बात है, ये समझने से तुम भक्ति के धक्कों से, रोने पीटने से 21 जन्म छूट सकते हो। समझाना है सत्युग की स्थापना कैसे होती है, फिर ये चक्र कैसे फिरता है, सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझो। ये तो मनुष्य ही समझेंगे। एक बाप की श्रीमत पर चलना है, सर्व पर दया तो एक बाप ही करते हैं, वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। वही इन माताओं को ज्ञान का कलश देते हैं जिससे ये सब को पावन बना सकती है। बाकी पानी की गंगा पावन नहीं बना सकती है, ये गौ माताएं हैं जिन्हों को ज्ञान का कलश मिलता है। यहाँ तो पढ़ाई है, पढ़कर देवता बनना है। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय, कहते ब्राह्मण फिर देवता क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये वर्ण है। ऐसे ये 84 जन्मों का चक्र तो फिरता रहता है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी बन सकते हो। अच्छा, बाप दादा और मीठी मीठी जगदम्बा माँ का सिकिलदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, पवित्रता के बल से श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सबको एक बाप का ऑर्डिनेंस सुनाना है कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। दूसरी पॉइंट, हर एक को तीन बाप का परिचय दे, दुख धाम से शांति धाम और सुख धाम में चलने की राह दिखानी है, भटकने से छुड़ाना है। आज का मीठा वरदान, मर्यादा पुरुषोत्तम बन, सदा उड़ती कला में उड़ने वाले नंबर वन विजयी भव। विश्लेषण, नंबर वन की निशानी है हर बात में विन करने वाले, किसी भी बात में हार न हो, सदा विजयी। यदि चलते चलते कभी हार होती है तो उसका कारण है मर्यादाओं में नीचे ऊपर होना। लेकिन ये संगम युग है मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग। पुरुष नहीं, नारी नहीं, लेकिन पुरुषोत्तम। इस स्मृति में सदा रहो तो उड़ती कला में जाते रहेंगे, नीचे नहीं रुकेंगे। उड़ती कला वाला सेकेंड में सर्व समस्याएं पार कर लेगा। स्लोगन है, एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो दूसरा कोई संग प्रभाव नहीं डाल सकता। एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो दूसरा कोई संग प्रभाव नहीं डाल सकता। आज का हमारा स्वमान है, मैं नंबर वन विजयी आत्मा हूँ। मैं नंबर वन विजयी आत्मा हूँ। अच्छा, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, हम मनुष्यों को पहले पहले कौन सी मुख्य पॉइंट बुद्धि में रखनी है, जिस पर खूब अटेंशन रखना है? पहले पहले तो अपने को ये पक्का निश्चय रखना है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। दूसरी पॉइंट है, हम सभी मनुष्य आत्माएं हैं और परमात्मा हमारा पिता है। हम आत्मा बच्चे और परमात्मा बाप, दोनों अलग अलग चीज है। तीसरी पॉइंट, ईश्वर बेअंत भी नहीं है, ईश्वर सर्वत्र भी नहीं है। अब यही नॉलेज बुद्धि में रखनी है, इसलिए अपनी नॉलेज औरों से न्यारी है। भले दुनियावी मनुष्य समझते हैं हमको परमात्मा का ज्ञान है, अब उनसे पूछो आप में कौन सा ज्ञान है, तो कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। अब परमात्मा तो कहता है मेरा ज्ञान मेरे द्वारा ही मिलता है, जैसे बैरिस्टर द्वारा बैरिस्ट्री, डॉक्टर द्वारा डॉक्टरी सीखी जाती है। भल वहाँ बैरिस्टर भी अनेक होते हैं, एक बैरिस्टर से न पढ़ा तो दूसरा पढ़ाएगा, एक डॉक्टर से न पढ़ा तो दूसरा डॉक्टर पढ़ाएगा, मगर यह ईश्वरीय नॉलेज
सिवाय एक परमात्मा बिगर कोई भी मनुष्य आत्मा, चाहे साधु संत महात्मा हो, वो भी नहीं पढ़ा सकेगा। तो हम कैसे समझे कि इन्हों में कोई परमात्मा का ज्ञान है? और चौथी पॉइंट, परमात्मा युगे युगे नहीं आता, बल्कि परमात्मा कल्प कल्प एक ही बार इस संगम युग पर, अर्थात कलयुग के अंत और सत्ययुग के आदि संगम समय पर आता है और अनेक अधर्मों का विनाश कराए एक आदि सनातन सत धर्म की स्थापना कराता है। अब लोग कैसे कहते हैं कि परमात्मा युगे युगे आता है? और ऐसे भी कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण वो द्वापर में आया है। अब इन सभी बातों को सिद्ध करना है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव परमात्मा है, और वो भी द्वापर में नहीं आता, संगम समय पर आता है। पांचवी पॉइंट, गुरु बिगर घोर अंधियारा कैसे हुआ है? वो गुरु कौन है? मनुष्य सृष्टि उल्टा झाड़ कैसे है? और हमको अपने पांच विकारों पर जीत कैसे पहननी है? छठवीं पॉइंट, हम वही पांडव योद्धे हैं जिसके साथ साक्षात परमात्मा है, उसी तरफ ही जीत है। सातवीं पॉइंट, परमात्मा खुद सर्वशक्तिमान है, तो जिन्होंने परमात्मा का पूरा साथ लिया है उन्हों को ही परमात्मा द्वारा लाइट माइट दोनों ताज मिलते हैं। अब ये सभी बातें बुद्धि में रखना, इसको ही ज्ञान कहा जाता है। फिर मम्मा के क्लास की आज दूसरी विशेष मुख्य बात, बदनसीबी और खुशनसीबी। अब ये दो शब्दों का मदार किस पर चलता है? ये तो हम जानते हैं, खुशनसीब बनाने वाला परमात्मा और बदनसीब बनाने वाला खुद ही मनुष्य है। जब मनुष्य सर्वदा सुखी है तो उन्हों की अच्छी किस्मत कहते हैं, और जब मनुष्य अपने को दुखी समझते हैं तो वो अपने को बदनसीब समझते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीब व खुशनसीबी कोई परमात्मा द्वारा मिलती है, नहीं, ये समझना बड़ी मूर्खता है। परमात्मा तो हमें खुशनसीब बनाता है, परंतु तकदीर को बिगाड़ना व बनाना ये सब कर्मों के ऊपर ही मदार है, ये सब मनुष्यों के संस्कार के ऊपर है। फिर जैसे पाप और पुण्य का संस्कार भरता है वैसे तकदीर बनती है, परंतु मनुष्य इस राज को न जानने के कारण परमात्मा के ऊपर दोष रखते हैं। अब देखो, मनुष्य अपने को सुखी रखने के लिए माया के कितने तरीके निकालते हैं, फिर उस माया से ही कोई अपने को सुखी समझते हैं और कोई फिर उसी माया का संन्यास कर माया को छोड़ने से और अपने को सुखी समझने से, मतलब तो कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं, परंतु इतने तरीके करते भी रिजल्ट दुख के तरफ जा रही है। कितने भी वो उपाय निकाल ले, सॉल्यूशंस कर ले, परंतु दुखी तो ही रहे ना, रिजल्ट तो फाइनली दुख ही दुख है, क्योंकि दुनिया ही पतित है, आत्मा भी पतित है। जब सृष्टि पर भारी दुख होता है तब उसी समय स्वयं परमात्मा आए गुप्त रूप में अपना ईश्वरीय योग पावर से दैवी सृष्टि की स्थापना कराए सभी मनुष्य आत्माओं को खुश किस्मत बनाते हैं। बन रहे ना हम सभी खुश किस्मत? कहे हाँ जी बाबा, दिल से कहे। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, शुभ दिवस। आज रात्रि अव्यक्त वाणी पर क्लास 9:45, कल सुबह अमृत वेला 3:30 से 4:30 और मुरली क्लास प्रातः 5:45। ओम शांति।